तारे ने पसंद मैनू हेठा सहारे ला दे उन्हें तारिया के बच्चे जलो मैनू वेखेगी मेरी याद जलो आओगी तो पता लगूगा दिल नाल मारे नी तू। हेलो राम राम सभी को, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है नए एक और ब्लॉग में। तो भाई मैं खड़ा हूँ फिलहाल यहाँ, यह चिंताहरण मंदिर तो की 5000 वर्ष पुराना मंदिर है जो कि कृष्ण भगवान के उस टाइम का बना हुआ है, भोले जी का मंदिर है। तो फिलहाल अंदर चलते हैं मंदिर में और इसके कुछ लीलाएँ दिखाते हैं। आज सोमवार है तो सोमवार के कर ज़्यादा ही महत्व रहता है यहाँ का। तो ये देखो यहाँ इत्र माला फूल चढ़ाई जाती हैं और फिलहाल चलते हैं अंदर। तो ये इसका मेन गेट है और सोमवार को तो भोले बाबा पे भीड़ रहती है बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल मैं जूते उतार देता हूँ, खाली दर्शन के लिए अंदर चलते हैं फिलहाल। जूते उतार दिए मैंने, हाँ पैर धो लेता हूँ पहले। तो भाई सबसे बड़ी बात तो ये देख, पैर धोने के लिए भी तीन तीन नल लगे हुए हैं एक जगह ताकि भीड़ ना हो। बहुत अच्छी तरीके से सुविधा बना रखी। चलते हैं हम आगे। जय शिव शंकर भोलेनाथ। मैंने पहले भी एक ब्लॉग दिया था यहाँ का, बहुत ही प्यारा था और बहुत ही मन लगता है भोले। और ये भोले का मंदिर इतना पुराना है कि यहाँ सबकी चिंता हरी जाती है, इसे बोलते हैं इसलिए चिंताहरण। तो सबसे पहले हमारे भोले बाबा जी की भीड़ लग रही है, मेरे भोले बाबा पीछे सभी भीड़ लगी, तो भोले बाबा के दर्शन कर। तो मैंने अभी आपको जो दिखाया भोले बाबा की बहुत ही इत्र चढ़ाते हैं, वो लगाते हैं सिंदूर और बहुत तरीके से सजाते हैं भोले बाबा को, और बहुत ही प्यारे तरीके से सजाया जा रहा था। और हमने भी दर्शन कर लिए। ये है आपके यहाँ किसी को दिया वगैरह जलाना है वो पीछे है। भोले बाबा सबकी चिंता करते हैं। चलो कुछ दिखाता हूँ यहाँ पे पास पे जमुना का नज़ारा। जमुना का नज़ारा भी बहुत ही प्यारा है और हर सोमवार को आप भी आ सकते हैं, आपकी कोई टेंशन चिंता हो तो वो मुक्त हो जाती है कहा जाता है पुराने उसमें। तो चलो चलते हैं आगे। जमुना बिल्कुल पास में बची हुई है। जब कृष्ण भगवान जी छोटे थे तो उस टाइम ये मंदिर बना। जमुना का नज़ारा भाई कितना बेस्ट है, यहाँ शांति वातावरण कितना प्यारे और मस्त लग रहा है एकदम, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ से जमुना थोड़ी सूखी हुई है, ये देखो पीछे यहाँ पानी कम है वो पल्ली साइड के ज़्यादा। पास में आके नज़ारा देखते हैं। तो काफ़ी भीड़ लगी है सोमवार की वजह से, तो सोमवार को यहाँ भीड़ रहती है भोले बाबा की। चलो चलते हैं आगे, यहाँ पर भी छोटे भोले बाबा हैं। वहाँ ये रहा मंदिर यहाँ पीछे बना हुआ है। ये है जमुना का नज़ारा भाई, ये देखो पीछे इतना प्यारा लग रहा है भाई। हवा चल रही है मस्त क्योंकि आज सुबह से ही तेज़ हवा है ना। जमुना में ही खेती हो रही है, कितना प्यारा लग रहा है भाई। अच्छा मस्त ऐसा मन कर रहा आराम से रहो, वो घूमने लायक मस्त जगह है, बहुत बढ़िया बहुत ही प्यारी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ के पास रिजॉर्ट भी बन चुका है, टूरिस्ट प्लेस भी है, पर तो नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, उसके बाद आप जाके देख सकते हो। और आगे पल्ली साइड का नज़ारा और दिखाता हूँ। ये देखो तो यह है महाराज जी की मूर्ति पधारी हुई, जो पुराने यहाँ के महाराज जी, ये रे पीछे हमारे। और बहुत सुंदर नज़ारा। और यहाँ तो भाई खेती भी उल्ली साइड की हो रही है अंदर ही, जैसे जमुना आएगी पानी आ जाता है तो सारी खेती को बहा ले जाता है यहाँ से। ये देखो फिलहाल तो पानी में अंदर जाने के लिए वो बना रखे हैं, फोटो शूट कराते हैं। और वैसे भी ब्रिज है इनमें, वो बुर्ज बोलते हैं इन्हें बुर्ज। और यहाँ से रखे हैं हवा चलती है, पानी में यहाँ का नज़ारा आराम से देख सकते हैं। ये देखो दो बुर्ज बने हुए हैं, ये एक ये रहा एक पल्ली साइड वाला जो है का वो बना हुआ ये वो। यहाँ से चलते हैं, यहाँ के भी दर्शन हो गए बहुत बढ़िया, किस्मत वालों को दर्शन मिलते हैं भोले बाबा। और आप भोले बाबा के भक्त हो तो प्लीज़
हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक तो जरूर करें, भोले को जय भोलो की जरूर लिखें कमेंट में। चलो भाई चलते हैं बाहर। तो आगे भाई मंदिर के बाहर अपने जूते वगैरह पहन लूँ मैं, जूते रखे, बाइक मैंने रास्ते में खड़ी कर दी थी। और गए जय भोले बाबा का मंदिर। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं प्यारे से नेक्स्ट ब्लॉग।